हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप नामदेव आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, उसमें क्वेश्चन जो करेंगे वो ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे बेस्ड होंगे। क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन है, अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ 40 mm बेस साइड एंड 65 mm लॉन्ग एक्सिस हैज इट्स बेस ऑन HP एंड ऑल द एजेस ऑफ द बेस इक्वली इंक्लाइंड टू द VP। It is cut by a section plane perpendicular to the VP and inclined at 45 degree to HP and bisecting the axis. Draw the sectional top view and true shape of the section. अब इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ, उतना ही पार्ट एक्सप्लेन करूँगा जिससे अपना अभी फ्रंट व्यू टॉप व्यूज बन जाए। बाकी का पोर्शन क्वेश्चन का बाद में रीड करेंगे जब सेक्शन की बारी आएगी। तो क्वेश्चन में एक स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है, इसका बेस साइड है 40 mm का और इसकी हाइट है यानी कि एक्सिस लेंथ है 65 mm लॉन्ग और उसका बेस HP पर रखा हुआ है। उसका बेस HP पर है यानी कि टॉप व्यू में आपको यानी कि रेफरेंस के नीचे आपको स्क्वायर पिरामिड दिखेगा और फ्रंट व्यू में आपको ट्रायंगल दिखेगा। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। साथ साथ में जब उसके बेस को आप HP पर रखेंगे तब एक कंडीशन दी हुई है इसमें, ऑल द एजेस ऑफ द बेस इक्वल इंक्लाइंड टू VP, यानी कि इसमें जो बेस साइड होगी वो इक्वल इंक्लाइंड होगी। इक्वल इंक्लाइंड मतलब ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुका हूँ आपको, इक्वल इंक्लाइंड यानी कि जो बेस साइड होगी वो आपको VP से 45 डिग्री पे मेंटेन करनी है। तो पहले मैं इसके टॉप व्यू को बना देता हूँ। ओके, मैंने इसके टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया है जिसमें मुझे स्क्वायर दिखेगा। अब मैं जितने भी पॉइंट्स मेरे पास हैं सबको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करूँगा। अभी मुझे फ्रंट और टॉप व्यूज को लाइट ड्रॉ करना है क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन जो होगा आफ्टर सेक्शनिंग उसी को ही मुझे ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि सेक्शनिंग के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसका मुझे फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है। अब मैं इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करूँगा जो कि एक ट्राइंगल होगा। ओके, मैंने इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया है, दोनों फिगर मैंने लाइट ड्रॉ की हैं। अभी अब बारी है सेक्शनिंग की। तो सेक्शनिंग के लिए मुझे आगे का क्वेश्चन रीड करना होगा। तो अब करते हैं फोकस अगेन क्वेश्चन पे। अब सेक्शनिंग की डिटेल्स क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या गिवन है? अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइंड एट 45 degree टू HP, यानी कि ये सेक्शन करने को बोल रहा है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन से AIP। जब सेक्शन प्लेन VP के परपेंडिकुलर होता है और HP से इंक्लाइंड होता है तब वो केस होता है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का, यानी कि फ्रंट व्यू में अपन सेक्शनिंग करते हैं HP से एंगल मेंटेन करते हुए। और इसमें साथ साथ दिया हो बाइसेक्टिंग द एक्सिस, यानी कि जो सेक्शन लाइन होगी वो एक्सिस को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो मैं इसकी सेक्शनिंग कर देता हूँ। ओके, मैंने इसकी सेक्शनिंग कर दी है। एक्सिस को बाइसेक्ट करने के लिए कहा गया था, टोटल एक्सिस है O-O1-, तो इसके सेंटर पे मुझे जाना है, यानी कि यहाँ से इसके सेंटर पे गया, टोटल डिस्टेंस 65 थी, 32.5 की डिस्टेंस पे मैं गया, जैसे इसके 65 के हाफ पे एक पॉइंट मार्क किया, वहाँ से 45 डिग्री की लाइन मैंने HP से मेंटेन करते हुए ड्रॉ की। यहाँ से इसकी सेक्शनिंग कर ली। सेक्शनिंग करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको मुझे डार्क करना होगा। तो इस लाइन को डार्क करना है मुझे, ये भी रिमेनिंग पोर्शन में आएगा, इसको भी मुझे डार्क करना है, ये भी रिमेनिंग पोर्शन में आएगी स्लैंट एज, इसे भी डार्क करना है और इस बेस लाइन को भी मुझे डार्क करना है। तो इस तरीके से मैंने इसके फ्रंट व्यू को कंप्लीट कर लिया। ऐसा कुछ आपको फिगर दिखेगा आफ्टर सेक्शनिंग। अब बारी है इन सारे पॉइंट्स को नीचे ट्रांसफर करने की, क्योंकि नीचे का टॉप व्यू अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब सेक्शन लाइन पे यहाँ पे कितने पॉइंट्स आएंगे? एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। कुल मिला के आपको 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। इन 3 पॉइंट्स को आपको नीचे की तरफ ट्रांसफर करना है। कैसे करना है? ड्राफ्टर लीजिए, ड्राफ्टर लेने के बाद इसको नीचे लाएंगे। ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? किस स्लैंट एज पे आ रहा है? A-O-डैश पर, यानी कि नीचे मुझे इसको AO पे लेके आना है। किस पे लेके आना है? AO पे। अब इसको लेके आऊँगा मैं, यहाँ पे लेके आया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ मार्क कर दिया क्योंकि ये क्या है, दिस इज़ A, दिस इज़ O, A-O-डैश पे था इसलिए मैं इसको AO पे लेके आया। अब अगला पॉइंट देखेंगे, ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है C-O-डैश पे, तो नीचे इसको कहाँ लेके आएंगे? CO पे लेके आएंगे। तो इसको मैं लाइट लाइन से आगे बढ़ा के लेके आया CO पे, जहाँ भी इसका इंटरसेक्शन हुआ
इस पॉइंट को मार्क कर दिया। अब बारी आ रही है इस पॉइंट को ट्रांसफर करने की। अब इस पॉइंट को अगर मैं ट्रांसफर करूं तो ये लाइन दोनों अलाइन है, यानी कि इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये, क्योंकि ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये बी डैश ओ डैश पे, एक स्लैंट एज ये हुई, एक स्लैंट एज कौन सी हुई, डी डैश ओ डैश। अब ये नीचे लेके आऊंगा तो ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो इसको नीचे ट्रांसफर करने का तरीका है, वो तरीका आप समझ लीजिए, बहुत आसान सा है। सबसे पहले इस पॉइंट को अपन ट्रांसफर करने के लिए लाइट लाइन से अपन इसको सबसे आखिरी वाले स्लैंट एज पे लेके आएंगे, यानी कि यहाँ लेके आएंगे। तो पहले इसको यहाँ अपन लेके आए, कहाँ लेके आए अपन, यहाँ से इसको यहाँ पे लेके आए। अब क्या करेंगे, अभी ये पॉइंट किस पे आ चुका है, किस स्लैंट एज पे आ चुका है, ये आ चुका है सी डैश ओ डैश पर। किस पे आ चुका है ये पॉइंट, अभी सी डैश ओ डैश पर, यानी कि मुझे इसको नीचे ट्रांसफर करना है अभी सी डैश ओ डैश पर, यानी कि इसको नीचे लाऊंगा कहाँ पे लेके आऊंगा, सी डैश और ओ डैश पर, यानी कि ये पॉइंट मेरा अब यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर। अब मैं कॉम्पास की मदद से क्या करूँगा, इसको सेंटर मानते हुए इसको ट्रांसफर मुझे कहाँ कहाँ करना था, इस पॉइंट को ट्रांसफर इसको करना था मुझे ओ बी पर और ओ डी पर, यानी कि नीचे ओ डी और ओ बी पर, यानी कि इसको सेंटर मानते हुए यहाँ से एक आँख में यहाँ लेके आऊँगा, यहाँ पे कट करूँगा, और इसी को सेंटर मानते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए आँख से मैं यहाँ पे कट करूँगा। ओके देखिए, इसको सेंटर मानते हुए एक आँख में लाइट लाइन से ऊपर की तरफ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा तो एक पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा एक OD पर, क्योंकि ये कहाँ था, OD पे था, OD डैश पे था ना, इसलिए कहाँ मिलेगा, OD पे मिलेगा। सिमिलर उसी वे में इसको सेंटर मानते हुए एक आँख में नीचे की तरफ लगाऊंगा, बिल्कुल लाइट लगाना है, डार्क नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट मैंने यहाँ मार्क कर लिया। कुल मिला के यहाँ पे सारे पॉइंट्स, इसको इसको और इसको, सारे पॉइंट्स को मैं नीचे की तरफ ट्रांसफर कर चुका हूँ। अब ट्रांसफर करने के बाद इसकी नेमिंग अपन कर देते हैं। तो ये हो गया पॉइंट P, ये वाला पॉइंट P हो गया, ये वाला Q हो गया, ये वाला R, ये कुछ नहीं है, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, तो इसको लेके आप कन्फ्यूज़ हो, इसको बस ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया था इस पॉइंट को अपन ने। तो ये पॉइंट R हुआ, ये पॉइंट कौन सा हुआ, P Q R, ये हुआ S, चारों पॉइंट्स आ गए। अब करना क्या है, चारों को अपन को ज्वाइन करना बाय डार्क लाइन। ओके, इन सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया बाय डार्क लाइन। अब ये मेरा कट सेक्शन एरिया आ गया है, जैसा कि आप सबको पता है कट सेक्शन एरिया मुझे हैशिंग करना है, और हैशिंग करने के लिए यहाँ पे कितना एंगल लूँगा मैं, 45 डिग्री नहीं लूँगा यहाँ पे, वैसे ले भी सकते हैं 45 डिग्री ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर 48 डिग्री लेते हैं तो इसके पैरेलल नहीं होगा ये, मतलब इसके पैरेलल लाइन नहीं होगी, तो 48 डिग्री आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं 48 डिग्री पे यहाँ पे हैशिंग करता हूँ। ओके, मैंने पी क्यू आर एस पी से बनाई गई बाउंड्री को हैश कर लिया है। हैश करने के बाद अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा बाकी जो स्लैंट एजेस बाकी हैं, बेस एजेस बाकी हैं, कौन कौन सी रिमेनिंग पोर्शन में उनको डार्क करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, चेक करें अगर एज बेस पूरा, यहाँ पे बेस पूरा है, यानी बेस की एज बिल्कुल भी नहीं कटी, यानी कि बेस की ये जो भी एजेस हैं ए बी बी सी सी डी डी ए, ये पूरा का पूरा डार्क रहेगा। साथ साथ में ए से पी आप देखेंगे, अभी नेमिंग मैंने नहीं किया है तो नेमिंग उसको कर देता हूँ ऊपर, ये पी पॉइंट है तो ये हो जाएगा पी डैश, ये पॉइंट यहाँ Q है और S है तो ये हो जाएगा Q डैश और S डैश, ये हो जाएगा R है तो ये हो जाएगा R डैश। अब मैंने नेमिंग कर दिया है। अब आप देखेंगे A से A डैश से लेगा P डैश, A डैश से P डैश क्या है, यहाँ पे डार्क है इसलिए ये डार्क हो जाएगा। B से Q, B से Q यहाँ पे डार्क है, ये भी डार्क हो जाएगा। S से D, S से D यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क हो जाएगा। और R से C, R से C यहाँ पे डार्क है तो यहाँ भी डार्क हो जाएगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, बाकी हुए एजेस को डार्क करने के बाद टॉप व्यू इस तरह से दिखाई देगा। मेरे हिसाब से टॉप व्यू और फ्रंट व्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि टॉप व्यू में जो ये कट सेक्शन एरिया आपको दिख रहा था ये शॉर्ट नज़र आ रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे भी ट्रू शेप बनाना होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ऑक्सर इंक्लाइंड प्लेन में हमेशा ट्रू शेप आपको अलग से बनाना होगा, टॉप व्यू में कभी भी आपको उसका ट्रू शेप एक्चुअल साइज का नहीं मिलेगा। अब बनाते हैं इसके ट्रू शेप को, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, जिसके लिए मैं ड्राफ्टर को सेट करूँगा सेक्शन लाइन पे और एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे X1 Y1 जो कि सेक्शन लाइन के पैरेलल होगी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब जितने भी पॉइंट्स यहाँ मार्क किए, एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों को ऊपर की तरफ मैं प्रोजेक्ट करूँगा बाय लाइट लाइन।
एक, दूसरी और ये तीसरी लाइन, तीनों के तीनों को ऊपर ले जाऊंगा। अब वही डिस्टेंस मुझे मार्क करना है, वही डिस्टेंस मुझे मार्क करना है। डिस्टेंस कौन कौन सा मार्क करना है, टॉप व्यू में देखिए कितने पॉइंट्स हैं मेरे पास। यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे इस लाइन पे एक पॉइंट मिलेगा आपको। यहाँ पे दो नेमिंग किए मैंने, यहाँ पे दो पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे सिंगल नेमिंग किए तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। डिस्टेंस मुझे यहाँ से लेना है टॉप व्यू से। पहले पॉइंट पी की डिस्टेंस ली मैंने फ्रॉम रेफरेंस एक्स वाई, एक्स वन पे रखा और यहाँ पे कट किया। ये पॉइंट का नाम, क्योंकि यहाँ पे पी था तो इसका नाम मैंने दे दिया पी वन। अब एस का डिस्टेंस लूँगा फ्रॉम एक्स वाई। अब यहाँ पे जाके, क्योंकि एस यहाँ पे था ना, ये एस की लाइन है, इस तरह से समझ लीजिए ये एस की लाइन है। तो डिस्टेंस अगर एस का लूँगा तो इस एस की लाइन पे कट करना है। तो यहाँ पे एक्स वन वाई वन पे गया मैं, यहाँ पे कट किया। ये पॉइंट का नाम क्या हो गया, एस वन। अब उसी वे में मैं क्या करूँगा, क्यू का डिस्टेंस लूँगा फ्रॉम रेफरेंस और यहाँ रख कर यहाँ पे कट करूँगा। तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, क्यू वन। ठीक है, सिमिलर उसी वे में आर का डिस्टेंस लूँगा फ्रॉम रेफरेंस और यहाँ पे जाके, क्योंकि ये आर पॉइंट यहाँ पे था, ये आर की लाइन है, यानी कि यहाँ पे रखना है मुझे कंपास को और यहाँ पे कट करना है। तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे आर वन। अब इन सारे के सारे पॉइंट्स को मुझे आपस में डार्क लाइन से जोड़ देना है और यहाँ पे हैशिंग कर देना है। हैशिंग के लिए जो एंगल मैंने यहाँ पे लिया था वो एंगल मुझे यहाँ मेंटेन करना है, मगर हैशिंग के लिए जो 45 डिग्री लिया था मैंने इस फिगर के लिए, टॉप व्यू के लिए एक्स वाई से लिया था, मगर यहाँ के हैशिंग के लिए मुझे 45 डिग्री लेना है, वो भी एक्स वन वाई वन से लेना है, ना कि इस एक्सिस से। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस पूरे एरिया को ज्वाइन करने के बाद, हैशिंग करने के बाद, ट्रू शेप कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। दिस इज ट्रू शेप, ये इसका फ्रंट व्यू हुआ और ये इसका टॉप व्यू हुआ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।